गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो शाम के बज रहे होंगे, पता नहीं 6 या 6:30 बज रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए आई हूँ ऊपर, और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर से। यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है यार, जैसे ही बॉल कंपाउंड में खेलते हुए क्रिकेट, वैसे ही सभी लोग अपने अपने घर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं अपने अपने घर के लोगों के साथ। यहाँ पर ये कर रहा है कार वॉश काम नहीं है तो क्या करे, कार वॉश कर रहे हैं सिर्फ अहो यार मैं दिखाती हूँ आपको। ये लोग अपने अपने टेरिस पे आते हैं, टेरिस पे एंजॉय करते हैं, या फिर अपने अपने वॉल कंपाउंड में आते हैं, वॉल कंपाउंड में बैठ जाते हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ इस टाइम पे वर्कआउट चलता है, बट जब से कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तब से हमने डिसाइड किया कि नहीं, अपने अपने घर पर ही करेंगे वर्कआउट, जो भी होगा जितना भी होगा अपने अपने घर पर ही करेंगे। और पहले मैंने सोचा था कि साथ में करते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब साथ में करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट होता है और अच्छे से होता है, तो इसी वजह से मैं हम लोग साथ में करते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसी वजह से डर लग रहा है साथ में करने का। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि जाने दीजिए, जितने दिन चलता है ये कोरोना तब तक हम लोग घर पर ही वर्कआउट करेंगे। और अभी तो चाय भी आज बना नहीं है, पता नहीं इन लोगों ने चाय पी है या नहीं पी है। मैं तो सोई थी, आज ना कूलर बंद हो गया था हमारा, मशीन चली नहीं रही थी कूलर की थोड़ी सी हवा आती है तो अच्छा लगता है, ठंडी हवा आती है तो नींद लग जाती है, बट आज तो उतना भी नहीं हुआ, नींद भी नहीं हुई पूरी अच्छे से, और स्ट्रीट लाइट जल गया है इसी वजह से अच्छा सा वो हो रहा है, मतलब लाइट दिखाई दे रहा है, नहीं तो मुँह पर अंधेरा आ रहा था। तो चले फिर नीचे जाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, और ये तो इनका टाइम पास कर रहे हैं कार वगैरह वॉश करके। पर देखो सो के लेट के काम चल रहा है गाड़ी का, क्या कर रहे हो इतना टाइम पास ये क्या अद्वी पापा की हेल्प करो बेटा आप नीचे जाने के लिए अद्वी वहां पर मत बैठो, चलो उठो बेटा। मैं नहीं उठा, किसके साथ? ये क्या है? स्क्रू है। चले क्या कहीं घूमने? चलो आने दो। बोलो ना।
नहीं बराबर है, चलो। इतने लोग एक गाड़ी लेने के लिए अंदर। कितने दिनों के बाद गाड़ी बाहर निकली है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब एक महीने से ज्यादा हो गया होगा गाड़ी गेट के बाहर निकली है। एक महीना नहीं, डेढ़ महीना हो गया होगा गेट के बाहर निकली है गाड़ी, लॉकडाउन से पहले, उसके बाद तो गाड़ी निकली नहीं बाहर। इसी वजह से बिचारी को वॉश करने के बहाने से निकाला है आज। यहाँ पर अपना यूनिफॉर्म रेडी करके रख रहा है कल के लिए। अभी लॉकडाउन में ये भी परेशानी झेलनी पड़ रही है ने? क्या आइनिंग, हाँ आइनिंग भी घर पे करना पड़ रहा है। इतने सारे यहाँ पर देखो, ये वाली थैली में ना इनके पैंट और शर्ट भर के रखे हैं, और तब से लॉकडाउन होने के बाद ये लेके ही नहीं गए, है ना? लेके नहीं गए ना, काम पड़ा, काम ही नहीं पड़ा उसका, और काम भी नहीं पड़ रहा है, बाहर जाने का भी काम नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से उनको मतलब वो शर्ट और पैंट पहनने का काम नहीं पड़ रहा है, और ये डेली तो यूनिफॉर्म का काम पड़ता ही है। यहाँ पर यूनिफॉर्म रेडी करके रखेंगे आज कल के लिए, डेली ऐसे ही काम होता है इनका, और दो दिन छोड़ के करते हैं, दो दिन छोड़ के इनका यूनिफॉर्म वॉश करती हूँ, उसके बाद ये रेडी करके रखते हैं, दूसरा रेडी करके रखते हैं, वो वॉश करती हूँ, दो यूनिफॉर्म है। चलिए करिए अपना काम, मैं जाती हूँ किचन में। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 7:30 और अब आ गई हूँ किचन में, और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा किचन का काम अब, और आज बनाना है मुझे सोयाबीन चिली। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है, चलिए बनाते हैं और आप भी रेसिपी देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन बड़ी जो है वो बॉईल करने के डाल दिया। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आया यार, बहुत ज़्यादा डाल दी थी मैंने, तो फिर मैंने उसमें से निकाली नहीं, वैसे ही रहने दी, और यहाँ पर बड़ी जो है वो बॉईल हो चुकी थी, उसके बाद मैंने उसमें ठंडा पानी डाला, और उसके बाद उसे निचोड़ के सिर्फ उसका पानी निकालना है, एकदम ज़्यादा ही पूरा निचोड़ना नहीं है उसे, सिर्फ उसका थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी निकालना है, मॉइस्चर रहने देना है उसमें। इसके लिए ना सिर्फ गर्म पानी में भिगोई हुई जो बड़ी है वो नहीं लगेगी, आपको उसमें बॉईल भी करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर मैंने डाला है दही, और उसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें मैदा, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है 1 चम्मच, और उसके बाद उसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसमें ऐड करना है आपको रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ऐड करके। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हो आप, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब मैरिनेट करना है, जैसे आप चिकन वगैरह को या किसी भी चीज़ को मैरिनेट करते हैं वैसे आपको इसे मैरिनेट करना है, बस अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे साइड में करके रख देना है मतलब 10 मिनट तक, और बस उसके बाद आपको कढ़ाई चढ़ानी है मतलब गैस पे, और उसमें आपको तेल ऐड करना है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, बहुत लोग डीप फ्राई करते हैं, बट मैं थोड़ा सा सोचती हूँ डीप फ्राई करने के लिए, इसी वजह से मैं ना शैलो फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, और अभी मैं इसमें सोयाबीन जो बड़ी है वो डाल दूँगी,
और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब शैलो फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई अगर करते तो वो डिश हेल्दी नहीं रहती है, तो इसी वजह से मैं ना डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा सा सोचती हूँ। किसी किसी चीज़ में तो डीप फ्राई करना ही पड़ता है, मतलब कोई कोई डिश ऐसी होती है कि डीप फ्राई करना ही पड़ता है, तो यहाँ पर हो सकता था शैलो फ्राई में, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर, नहीं तो डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। तो ये ना कढ़ाई मुझे थोड़ी सी वो वाली कढ़ाई में चिपक रहा था, इसी वजह से मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली, क्योंकि वो वाली कढ़ाई में ना तेल ज़्यादा लगता है, चिपकता है इसी वजह से, तो नॉनस्टिक कढ़ाई में ना तेल कम लगता है और चिपकता भी नहीं है, तो इसी वजह से ना वो सोयाबीन बड़ी है वो क्रिस्पी बन गई थी। तो इसी तरह से मैंने इसमें क्या बोलते हैं कढ़ाई में नॉनस्टिक कढ़ाई में बना ली थी, तो इस तरह से ये क्रिस्पी बन गई थी अच्छे से, इसका मॉइस्चर पूरा निकल गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल ऐड किया है, और ये वाला जो क्या बोलते हैं कंटेनर है मेरा डीमार्ट से लिया है मैंने ऑयल का कंटेनर, काफ़ी लोगों ने पूछा था, काफ़ी लोगों को पसंद आया ये वाला कंटेनर, तो मैंने डीमार्ट से लिया है एक्चुअली। अगर आपके यहाँ पर डीमार्ट हो तो आप ले सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था, उसमें मैंने प्याज ऐड किया है बारीक चॉप किया हुआ, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देना है, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से होने देना है ताकि उसकी कच्ची स्मेल चली जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में प्याज और क्या बोलते हैं शिमला मिर्च काट के रखी थी, तो वो मैंने उसमें ऐड की है, और उसे भी अच्छे से होने देना है, थोड़ा सा ढक्कन रख के उसे अच्छे से पकने देना है ताकि वो लूज़ हो जाए शिमला मिर्च और प्याज। और बस उसके बाद हमें उसमें ऐड करने हैं सॉसेस। सबसे पहले मैंने ऐड किया है रेड चिली सॉस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है आपको। और उसके बाद मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली सॉस, और उसके बाद ऐड करना है सोया सॉस, और उसके बाद हमें ऐड करना है टोमेटो केचप। तो ना टोमेटो केचप मेरे पास थोड़ा सा ही था, मतलब इतना ही बचा था ये पैकेट, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये वाला डाल दिया। उसमें मैंने पानी ऐड करके फिर वो डाल दिया था, मतलब पानी उसका डाल दिया था, और इतना ही बचा था। और मेरा आपको पता ही है कि डीमार्ट जाना नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है आपको, क्योंकि ये सॉसेज जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, इसी वजह से आपको थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है ताकि जो खट्टापन है उसका निकल जाए। उसके बाद उसकी जो टेस्ट है वो थोड़ी सी खट्टी मीठी आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे हम लोग वो नहीं खाते हैं क्या बोलते हैं तो मंचूरियन वगैरह, उसी टाइप में ये लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप के बनाने पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरा ना बहुत ज़्यादा हो गया था यार, ये बच गया है इसमें से भी, मतलब हम लोगों ने इतना खाने के बाद भी बच गया था थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है कि इनको सिर्फ ऐसे कुछ नाश्ते वास्ते में इनका काम नहीं चलता है, इनको रात में डिनर मतलब जो रोटी सब्जी है वो चाहिए होती है, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा कम खाया, और फिर ना बच्चों ने वगैरह खाया, बच्चों की तो फेवरेट है इसीलिए बच्चों ने खाया, हेल्दी रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे तो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इसीलिए मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। फिर इनके लिए ना मैंने मसूर की दाल बना दी थी, मसूर की जो दाल होती है पतली रस्से वाली सब्जी, मसूर की दाल बना दी थी, और इन्होंने फिर वही खाई है डिनर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम पड़ेगा, नमक हमने ऐड ही नहीं किया था, थोड़ा सा उसे जब मैरिनेट किया था उसी टाइम हमने नमक ऐड किया था, इसीलिए थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड कर रही हूँ। और बस उसके बाद थोड़ी सी चला लूँगी अच्छे से इसे, और फिर उसमें ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लेंगे, थोड़ी देर बस 5 मिनट तक, और उसके बाद इसे निकाल लेंगे, और रेडी है हमारी सोयाबीन चिली यहाँ पर सर्व करने के लिए। और बस सर्व कर लूँगी और उसके बाद दे दूँगी खाने के लिए। यहाँ पर आपके मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं ज़रूर बताना कमेंट करके, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। सिर्फ मेरी तरह ज़्यादा मत डाल देना, मतलब जो सोयाबीन बड़ी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से मेरी तरह ज़्यादा मत डाल देना। सो गाइस बन चुकी है हमारी सोयाबीन चिली यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रही है यार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सबसे पहले तो सर्व करती हूँ, सबको दे देती हूँ और बताती हूँ आपको कैसे बनी है। स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी बनी होगी, तो चलिए पहले निकाल लेते।
सो गाइस खाना वगैरह खा लिया है और हाँ क्लीनिंग भी हो गई है सारी, अब जाके फ्री हुई हूँ। और मुझे पूछा था कि टैटू दिखाओ, मतलब उनको मेरे टैटूज देखने थे कहाँ कहाँ पर मैंने निकाले हैं और कौन कौन से टैटू हैं। तो मेरे पास 3 टैटू हैं, मतलब 3 टैटू मैंने निकाले हुए हैं। पहले 2 टैटू निकाले थे और बाद में एक टैटू जो ये वाला निकाला था तो आपसे शेयर किया था, उसका ब्लॉग पूरा डिटेल में आपसे शेयर किया हुआ है इस वाले टैटू का। तो आई थिंक दिवाली से पहले ये वाला टैटू, नहीं दिवाली के बाद निकाला था ये वाला टैटू, तो आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो ये वाला टैटू जो है यहाँ पर है और ये हाफ बटरफ्लाई है, यहाँ पर इस तरह से हाफ बटरफ्लाई है। अगर आप मेरे इंस्टा पे जाओगे तो मैंने स्टोरीज भी रखी थी, तो इसका फोटो वहाँ पर है, मतलब स्टोरी में इसका फोटो है हाईलाइट में, तो आपको ये वाला टैटू दिख जाएगा किस तरह से है। तो आपको मैं क्लोज करके भी दिखा देती हूँ वैसे। तो ये वाला टैटू इस तरह से है और एक टैटू है जो यहाँ पर है, तो ये है वो टैटू। इसमें कुछ मैसेज दिया हुआ है, स्टे स्ट्रांग करके लिखा हुआ है उसमें। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक फेदर है बड़ा सा और दो क्या बोलते हैं पंछी है, उसमें स्टे स्ट्रांग लिखा है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये नहीं पता, बट वहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है वो स्टे स्ट्रांग लिखा है। और एक पैर पे टैटू है, तो पैर का भी आपको दिखा देती हूँ। ये है यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से है, स्टार्स है और कलरफुल स्टार्स है। तो ये वाला टैटू है एक। तो ये है मेरे 3 टैटूज, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और काफ़ी दिनों से इनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, बट पता नहीं मैं क्यों मतलब भूले जा रही थी इनकी रिक्वेस्ट, मतलब था कि इस ब्लॉग में बताती हूँ उस ब्लॉग में बताती हूँ, बट मैं भूले जा रही थी। आज के वीडियो में इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की थी तो इसीलिए मुझे याद रहा, और इसलिए मैंने सोचा चलो आज दिखाई देती हूँ आपको मेरे टैटूज, और इतने दिनों से भूले जा रही थी तो उसके लिए सो सॉरी डियर। बट ऐसा नहीं था कि मैं दिखाना नहीं चाहती थी, बट भूल जा रही थी, ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा, क्योंकि होता है ना दिन भर, मतलब घर के काम भी होते हैं, यूट्यूब का भी होता है, कमेंट पढ़ो उसमें याद नहीं रहते कुछ कुछ कमेंट, फिर भी मैं कभी कभी ना स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ कमेंट के, क्योंकि मुझे याद रहे उस कमेंट के, मैं अपने ब्लॉग में आंसर भी करती हूँ। तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि मैं वहाँ पर आंसर कर सकती हूँ उसके, तो मैं वहाँ पर ही आंसर करती हूँ उनको, और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि उनके आंसर नहीं दे पाती हूँ तो वो मैं ब्लॉग में आंसर दे देती हूँ उन्हें। तो चलिए फिर नाम लेने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट नाम है वैष्णवी माड़ी और सेकंड नाम है सूर्य का सोनोने, ने रिक्वेस्ट की थी उनके बच्चों का नाम लेने के लिए, तो उनके बच्चों का नाम है समृद्धि एंड सार्थक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और जिन जिनके नाम इस ब्लॉग में नहीं आए हैं तो आप इस ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि एक ब्लॉग में इतने सारे नाम नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए मैं हर एक ब्लॉग में 2 नाम लेती हूँ। तो आप इस ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेने की जरूर कोशिश करूंगी आपका नाम। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।